मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने उसे न देश के वैज्ञानिकों की और न ही देश के जवानों की या न तो किसी किसान की उसे कोई लेना देना ही नहीं है। कुर्सी के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे सैनिक परिवारों तक को धोखा दिया हो उससे उम्मीद क्या की जा सकती है। 2014 से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, और फौजियों के बीच जाकर के उनकी आंख में धूल झोंकने के लिए काम किए, बहुत सारी ड्रामेबाजी की, उनके चार छह चेले चपाटे भी बयान देने आ गए। किया क्या, 500 करोड़ रुपया का प्लान बनाया, 500 करोड़ रुपया। अब 500 करोड़ का प्लान बनाया, कांग्रेस को पहले दिन से पता था कि 500 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है, जानते थे। वन रैंक वन पेंशन हो ही नहीं सकता है, उनको पूरा पता था, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने की हिम्मत थी उसमें, झूठ बोलने की ताकत थी, भ्रम फैलाने की आदत थी। वन रैंक वन पेंशन का वायदा मोदी ने गारंटी दी थी, मोदी ने पूरा किया। और आप हैरान रह जाएंगे, वन रैंक वन पेंशन के तहत अभी तक देश भर के सैनिक परिवारों को 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, 70,000 करोड़। 1,00,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एक एक परिवार को मिले हैं। आप बताइए, 1,00,000 परिवारों को 4,000 करोड़, ये मामूली चीज नहीं है भैया। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़, ये कांग्रेस के खेल समझिए भाइयों। आप सोचिए, कहां कांग्रेस के 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़, इतना झूठ बोलते हैं लोग।